हाउ टू रिकॉग्नाइज द कोनियम पेशेंट। कोनियम पेशेंट को हम कैसे पहचानेंगे? कोनियम पेशेंट मल्टी माइलिटिक विद साइकोसिप्लेटिक डोमिनेंट है। और कोनियम पेशेंट हमेशा ओल्ड रहता है, 60-70, आंख के भाव वाइट वाइट हो जाएंगे, मुस्टक सब सफेद हो जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन प्री मेच्योर सेनालिटी, ओल्ड कैचेटिक पर्सन, ओल्ड बैचलर वोमेन और स्कैंसेस, ओल्ड पर्सन, ओल्ड लेडी, विडो लेडी, और समय से पहले बूढ़ा हो जाना, प्री मेच्योर सेनालिटी। जो एलिमेंट फ्रॉम क्रॉनिक इंजरी, पुराना अगर चोट लगा हो और बाद में ट्यूमर बन गया हो, स्पेशली ग्लांड विद स्टोनी हार्टेस्ट, जो ग्लांड स्टोन जैसा हार्ड हो जाए, कड़ा हो जाए, जनरली हम लोग कड़ा हो जाने से कैल्शियम फ्लोर पर चले जाते हैं, पर कोनियम भी है एक मेडिसिन। सप्रेशन सेक्सुअल डिजायर और मेंसेस और एंगर, अगर सप्रेस डिजायर है उससे पेशेंट से पूछने से पहले आप कितना दिन हो गया आप लोगों को मिले में, तो उससे आप जान सकते हो कि उसका सेक्सुअल डिजायर कैसा है, उससे आप पहुंच सकते हो कोनियम के पास। एक पेशेंट आया था मिस्टर, क्या हुआ, 7-8 साल से उसको वाइफ से मिला ही नहीं था, हम लोग डायरेक्ट कोनियम दे, बहुत बढ़िया प्रोस्टेट ग्लैंड में काम किया। तो ये क्वेश्चन जरूरी है पूछना। वर्टिगो व्हेन लेइंग डाउन एंड टर्निंग हेड, सिर अगर मुंडी इधर उधर घुमाता है तो उसको चक्कर आएगा, कोलोसिन में भी है, ठीक है। फोटोफोबिया विदाउट इंफ्लेमेशन ऑफ आई, आंख में बिना सूजन, सूजन बिना सूजन के फोटोफोबिया में वो देख नहीं पाएगा, आंख में रोशनी में आंख खोल नहीं पाता है। अगर आंख में अगर सूजन है और आंख खोल नहीं पाता है, दैट इज सोरिनम है। कैटरेक्ट के लिए बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है, समय से पहले आंखों में कैटरेक्ट हो जाना, जनरली होता है ना कैटरेक्ट के लिए क्या है, होम्योपैथिक मेडिसिन वगैरह हम लोग नहीं जानते, दैट इज सेनाइलिज्म ऑफ द आई, ठीक। फोटोफोबिया विद कैटरेक्ट, एक जो एसेंडिंग कॉम्प्लेन एग्जाम्पल पैरालिसिस सिरमेटिज्म, डिसेंडिंग इज आर्निका कैक्टस एंड कॉस्टिकम काल्मिया लाइकोसिमम। एसेंडिंग कॉम्प्लेन मतलब नीचे से ऊपर की ओर जाना, नीचे से ऊपर की ओर, दर्द हो चाहे कुछ हो, नीचे से अगर ऊपर जा रहा है तो दैट इज कोनियम बैंक। और एक कोनियम बैंक का सिम्टम्स है डिफिकल्टी इन पासिंग यूरिन विद प्रोस्टेट एंड यूट्राइन कंप्लेन, मूत्र संबंधी कंप्लेन के साथ में अगर वो यूरिन पास करने में असमर्थ होता है, आइदर स्ट्रिक्चर होगा, आइदर कोई भी होगा, कोई भी किसी भी कारण से हो, वो यूरिन पास नहीं कर पाएगा। कोनियम में अगर पेशेंट वर्स एट नाइट, अल्कोहल बेटर बाय लेटिंग पार्ट हैंग डाउन, आर्निका अपोजिट ऑफ हाइपरा, कैल्क्रिया का एमरेशन बाय राइजिंग अपवर्ड्स, रात को उसको बढ़ जाना, अल्कोहल से बेटर रहता है और नीचे ऐसे लगा हुआ रहेगा तो उसको पसंद रिलीफ रहता है। थैंक यू। We are providing 6 months practical clinical training for BHMS graduates, and that will actually help you to become a good practitioner. So you're welcome to join. Thank you.